आज किदवई नगर स्थित गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी कमेटी द्वारा नववर्ष की पावन बेला पर खिचड़ी चाय का वितरण गुरुद्वारा साहिब के बाहर किया गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बधाई देते हुए नववर्ष की आज पावन बेला पर अयोध्या जी में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए 31 जनवरी के बाद दर्शन के लिए आह्वान भी किया गया। विशेष रूप से गुरदीप साइगर, श्री चंद असरानी, राजेंद्र खाकी, हरदयाल सिंह, हरदीप सिंह, गुरबख्श सिंह, मनोज मनविंदर सिंह, नीतू सरदार आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। यहाँ नववर्ष का एक दूसरे को लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं, जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में और सिख धर्म में नववर्ष हम लोगों का बैसाखी से और उनका नव संवत्सर शुरू होता है। पर हमारे हिंदुस्तान की एक सभ्यता है कि हम सब लोग मिलके एक दूसरे के त्यौहार को अपना त्यौहार समझ के मनाते हैं। इस नववर्ष की पावन बेला पर हम सब मिलके गुरुद्वारा बाबा नामदेव कमेटी जहां खिचड़ी का प्रसाद और इस सर्दी में चाय का प्रसाद वितरण कर रही है, वहीं जो राम मंदिर 22 तारीख को बनने जा रहा है, बन गया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा होना है, वो तो गुरु की और उस परमेश्वर की कृपा है कि वो कार्य सिद्ध हुआ और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने सहयोग दिया, सभी ने दुआएं की, क्योंकि हर आदमी भारत और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जब अपनी जान दे सकता है तो दुआ क्यों नहीं दे सकता है। उस उपलक्ष में भी हम सबसे यही आह्वान करेंगे कि एक बार जाके जहां वो राम मंदिर में जाके 31 जनवरी के बाद दर्शन करें, क्योंकि इस समय के वहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत है, दर्शनार्थी लाखों की संख्या में आ रहे हैं। कानपुर के लिए 31 दिसंबर से होगा और संघ भारतीय जनता पार्टी और आप जन सिख आम जन नागरिक उस सेवा में लगा है कि 22 दिसंबर को एक भव्य समारोह, 22 जनवरी को एक भव्य समारोह दीपावली के रूप में श्री राम जन्मभूमि का मनाया जाए, उसमें सब अपनी सहभागिता करें। बहुत बहुत धन्यवाद।